तो मुझ नन्हे बालक को पति के रूप में पाना चाहती हो या जो मैं असली रूप में हूँ वो जानना चाहती हो। गोपियों ने कहा, प्रभु हम तो अपने ठाकुर को, अपने कृष्ण को जो आप हैं उसी रूप में पाना चाहती हैं। तो उस रूप में, जिस रूप में मेरा असली जो रूप है, योगेश्वर श्री कृष्ण का जो रूप है, वो तो कण कण में समाया है। जल में भी मैं हूँ, कमल में भी मैं हूँ, गुलाब में मैं, वस्त्र के भीतर भी मैं, वस्त्र के बाहर भी मैं, देह के भीतर भी मैं, देह के बाहर भी मैं, तो मुझसे कैसा भेद। तुम्हारे भीतर भी मैं बैठा हूँ और पानी के भीतर भी मैं बैठा हूँ, तो मुझसे भला क्या पर्दा, मुझसे कौन पर्दा कर सकता है, कोई कर सकता है क्या। तुम्हारी आंखों में देखता हूँ, तुम्हारे कानों से सुनता हूँ, तुम्हारी वाणी में बोलता हूँ, तुम्हारी जिह्वा से रस लेता हूँ। गोपियों, तुम और मैं अलग कहाँ है। अगर इस तत्व को तुम जानना चाहती हो तो तुम सब गोपियों को मैं शरद पूर्णिमा के दिन बुलाऊंगा और तब जीव और परमात्मा का भेद मिटा करके तुम सब मेरे साथ एकीकार हो जाओगी। तुम देह से मुझे नहीं चाहती तो देह का भेद भी नहीं होना चाहिए। तुम गोपियों देह नहीं हो, तुम तो देह से परे हो और तुम्हारे हृदय की धड़कन में तुम्हारे श्याम सुंदर धड़कते हैं। ये सुंदर उपदेश